नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम रावत। आज हम आए भारत की टॉप 7 यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, अभी रिसेंटली आईटी जैम के एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो हम मिलने आए हैं बनारस के टॉप रैंकर सचिन कुमार, जिन्होंने ऑल इंडिया 18वीं रैंक हासिल की। तो हम उनसे इनका इंट्रोडक्शन लेना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूँ। मैंने अभी 2020 में BHU में BSc ऑनर्स केमिस्ट्री में एडमिशन लिया है, और मैंने इस बार जो जैम का एग्ज़ाम हुआ था केमिस्ट्री विषय से, उसमें 18वीं रैंक हासिल की। तो मैं चाहता हूँ अगला क्वेश्चन संदीप जी सचिन से पूछें। संदीप जी को पूछें। तो जैसा कि सचिन आप जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनके मन में ये डाउट आता होगा कि IIT जैम का एग्ज़ाम है, तो IIT का नाम आते ही लोगों के अंदर इधर आ जाता है, स्टूडेंट के अंदर क्लियर आ जाता है। तो इस एग्ज़ाम की शुरुआत कैसे की जाए, पढ़ाई की शुरुआत कहाँ की जाए, इसका स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एक होता है ना, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से की जाए ताकि एक फ्लो बन सके पढ़ाई का, तो उसके बारे में कुछ बताइए। आपने कैसे शुरुआत की पढ़ाई की, IIT जैम को कब शुरुआत की? IIT का नाम सुन के फियर नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो उसको स्टूडेंट्स ही क्रैक करते हैं, और एग्ज़ाम होते ही हैं हम लोगों के क्रैक करने के लिए। तो ये एग्ज़ाम आप भी क्रैक कर सकते हैं, बस आपको सही गाइडेंस अच्छी पढ़ाई की ज़रूरत होती है। तो अब जैसे कि हमारे संदीप भाई ने पूछा कि कब से स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने 8 जनवरी को एक कोचिंग का बैच लिया था, उससे मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी। 8 जनवरी 2022 को मैंने अपनी ये जर्नी शुरू की। उसके बाद डे बाई डे मैंने इसमें सुधार किया, अपना अच्छे से पढ़ाई करता गया, और धीमे धीमे बस आपको अपने बेसिक्स पर टिकना होता है। मतलब जैसे आप स्कूल जाते हैं या फिर कोचिंग को जाते हैं, तो आप कोचिंग में क्लास वर्क करते हैं, फिर कोचिंग वाले आपको होमवर्क देते हैं, वो आप होमवर्क करते हैं, फिर ऐसे ही आप करते रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम जनरली बीट हो जाएगा। क्योंकि केवल बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन इनके लिए जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो बहुत ही नॉर्मल होती हैं। उन्हें अगर आप एक होमवर्क क्लास वर्क के तौर पर अगर आप डिफाइन करेंगे और अच्छे से अगर आपको गाइडेंस मिलता रहेगा, तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सचिन, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, पर आपका जो रैंक आया है ऑल इंडिया रैंक 18, तो आपने ऐसा क्या कुछ खास किया जो जिससे आपका रैंक इतना बेहतर रहा? पढ़ाई के दौरान आपका रिवीजन स्ट्रेटजी क्या था, और आपने सिलेबस किस तरीके से कवर किया? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं और रिवीजन उतना बेहतर नहीं कर पाते, या फिर कुछ चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। तो ऐसा क्या कुछ खास किया जिसके बारे में जो बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं, जो आपने उन गलतियों का अवॉइड किया है प्रिपरेशन के दौरान? तो आप बच्चों को सलाह देना चाहेंगे कि एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान ऐसी गलतियाँ ना करें, तो ऐसा क्या कुछ आपने किया और ऐसी गलतियों से बचने के लिए आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आप अगर आपसे अफोर्ड हो सकता है तो आप कोचिंग ज़रूर लें, क्योंकि कोचिंग वाले जो टीचर्स होते हैं उनको पता होता है कि किस गहराई में IIT एग्ज़ाम पूछने वाला है, किस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, उनको एक्सपीरियंस होता है हर चीज़ का कि किस तरीके से IIT अपने क्वेश्चन पूछने वाला है, उनका लेवल क्या होगा, उनका पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का। तो अगर आपसे अफोर्ड हो सकता है तो आप ज़रूर कोचिंग लें। अगर आपसे नहीं अफोर्ड हो सकता है, फिर भी आप इस समय ऑनलाइन बहुत ही कंटेंट मौजूद है, जैसे यूट्यूब पर, और स्टैंडर्ड बुक्स से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जैसा कि संदीप भाई ने अभी पूछा कि कौन सी गलतियाँ आप लोग अवॉइड करें जिससे वो एग्ज़ाम टॉप कर सकें, तो मेरा कहना यही है कि अगर आप कोई कोचिंग ले रहे हैं तो उसमें रेगुलर बने रहें। मतलब जैसे अगर वो वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आप उनको वीडियो को देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर रिवीजन कीजिए। तो यही सब नॉर्मल सी स्ट्रेटजीज करनी होती हैं, बहुत ज़्यादा खास करना नहीं होता। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप अगर एक हफ्ते में 5 दिन पढ़ रहे हैं और 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो वो इनफ है, मोर देन इनफ है। बस आपको लगातार पढ़ते रहना, ये नहीं कि मतलब रुक जाना है कि खरगोश की तरह 5 दिन पढ़े फिर 2 दिन सो लिया, ऐसे नहीं करना। मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, और धीमे धीमे आप अगर पढ़ते रहेंगे तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। और सबसे बड़ी बात कि रिवीजन करते रहना है। जैसे मान लीजिए मैंने जनवरी में केमिकल काइनेटिक्स चालू किया, तो आपने उसके ख़त्म होने के बाद आपने उसका दूसरा रिवीजन मई में कर रहे हैं, तो ये थोड़ी ना कोई बात हुई। आपने काइनेटिक्स की अगर पढ़ाई की है जनवरी में, तो आपका ये फ़र्ज बनता है कि आप उसे फरवरी में या फिर मिड मार्च तक उसको जरूर रिवाइज कर लें, वरना आपको या आपके ऊपर क्या हो जाएगा, एक बोझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने काइनेटिक्स पढ़ने में 15 दिन लगाए थे, तो अगर आपने 2 महीने रिवीजन नहीं किया तो आप उसको पढ़ने में 5 दिन लगाएंगे, तो आपके ये 5 दिन वेस्ट चले गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपने 15 दिन उसमें वेस्ट किए हैं, तो आप उसमें 5-6 घंटे और वेस्ट कर दीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपके अगले
15 दिन एक महीने बच जाएंगे और आपका टाइम सिक्योर होएगा, जिसको आप अलग भी और भी चैप्टर पर दे सकते हैं। तो शिवम आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी, जैसा कि अभी अभी संजीव ने कहा है कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि किसी भी फील्ड में हमें सक्सेस होने के लिए हमें उस फील्ड में कंसिस्टेंट होना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं सचिन से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने आईटी जैम के लिए कितना समय दिया और आपने जितना भी स्ट्रगल किया, ठीक, जितना भी आपने मेहनत की है उसमें क्या क्या आपने स्ट्रगल फेस किया है, क्या मैं जान सकता हूँ? अब समय की बात करी है तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आपकी क्वालिटी है, क्वालिटी इज मोर देन क्वान्टिटी। मतलब आप अगर दिन भर में 8 घंटे पढ़ रहे हैं और आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं लेकिन क्वालिटी आपकी नहीं बढ़ पा रही है, तो इससे बेहतर है कि आप क्वालिटी अपनी बढ़ाइए, 3-4 घंटे पढ़िए, बस मन से पढ़िए और इसी में लगे रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन को ज़्यादा सोचना नहीं है, अपना होना चाहिए मेन मोटिव कि नॉलेज अपना गेन करना है, सिलेक्शन तो अपने हाथ ही होगा। तो एक्सीलेंस के पीछे सक्सेस आती है, तो अगर आप अच्छे से नॉलेज गेन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो डेफिनेटली आपको रैंक मिलेगी, आप अच्छी IIT में एडमिशन ले सकेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि स्ट्रगल्स जो आपके होते हैं, तो स्ट्रगल एक दिन आदमी का रिजल्ट आता है लेकिन उस दिन फिर बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन असल बात यह है कि वो एक दिन के पीछे पूरे साल भर की मेहनत होती है, 2 साल की मेहनत होती है। इसलिए बहुत ही स्ट्रगल पूर्ण जीवन होता है, हर एक कोई भी एस्पिरेंट हो, किसी ने भी किसी भी एग्जाम की तैयारी की हो, वो उतना आसान नहीं होता है कि आप 10 मिनट चंद लफ्जों में उसको बयां कर सकें। तो स्ट्रगल तो खैर होते हैं, स्ट्रगल्स आएंगे, आप डिमोटिवेट भी होंगे, थोड़ा सा तनावपन भी आएगा, लेकिन आप एक दिन थोड़ा सा अगर आप टेंस हो गए तो थोड़ा सा सो लीजिए, मूवी देख लीजिए, आपको जो भी काम करना पसंद है वो कर लीजिए, फिर अगले दिन सुबह उठिए, फिर उस दिन से लग जाइए। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप उस एग्ज़ाम्स के जो जैसे टॉपर्स रहे हैं या फिर जो कोई आपका बड़ा है, सीनियर है, वो आपको राय दे सकता है, तो आप उनसे राय ज़रूर लें, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है जो आपके सक्सेस पथ में एक रामबाण का काम कर सकता है। तो मैं एक पर्सनली एक बात शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि एक हॉस्टलर है, मैं इनका क्लासमेट भी, कि मैं जब भी इनके रूम में जाता था तो मैं जब भी इनको देखता था, ये मूवीज़ देखा करते थे, सॉन्ग, इनको बिल्कुल भी डर इनके चेहरे में नहीं था कि कल एग्ज़ाम है, ये बिल्कुल चल रहते थे, ठीक है। तो ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है और मैं आप सभी को रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप भी बिल्कुल चल रही है, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर आप लोग को नहीं लेना है। और कुछ क्वेश्चन और भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आप जो IIT तो आपको मिल गई है, तो मैं आपने पूछना था कि आपका जो फ्यूचर गोल है वो आपका क्या है? अब फ्यूचर में आप देखते हैं, फिर अभी तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिसाइड होता है कि जैसे मान लो अगर मेरा IIT में हुआ तो मैं किसी भी IIT में जाऊँगा, अच्छी IIT में आईटी कानपुर, इनमें से कोई भी प्रेफर करूँगा, वहाँ से MSc करने के साथ ही मैं नेट गेट को टारगेट करूँगा, अगर वो क्वालिफाई हुआ फिर आगे देखते हैं कि कोई अगर नौकरी मिल पाएगी तो कोई जॉब के साथ मैं UPSC की तैयारी करना चाहता हूँ, जिसमें मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑप्शनल केमिस्ट्री ही रहे। हमने तो बहुत ही क्वेश्चन कर लिया, अब हम चाहते हैं संदीप जी कुछ क्वेश्चन कर लें। तो मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सचिन आपसे कि जैसे केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो चूँकि आई एम आल्सो योर क्लासमेट, तो माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी वीक, सो आई वांट टू नो समथिंग फ्रॉम यू कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि बच्चों को काफ़ी भूलती है, अभी कोई चैप्टर आज हमने पढ़ लिया, अगर उसको 3-4 दिन 5 दिन तक ना पढ़े तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, और ऐसा फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा कम होता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा टिप दीजिए, बच्चों को काफ़ी इसमें डाउट आते हैं, इसके क्वेश्चन खासकर जो मैकेनिज्म होते हैं रिएक्शन के उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये जो सवाल आपने पूछा ये मेरा फेवरेट सवाल है, क्योंकि अगर बात करें तो जुलाई से पहले, जो अभी जुलाई आपका 2022 था, उससे पहले मेरे से भी मैकेनिज्म्स ड्रॉ नहीं होती थी, लेकिन मैं जुलाई में जब अपने ब्रोचा हॉस्टल में आया तो मेरे को लग रहा था कि ऑर्गेनिक इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि मैंने कभी JEE नीट की तैयारी की नहीं थी, तो मुझे इतना हायर पता नहीं था कि कैसे मैकेनिज्म्स ड्रॉ होती हैं, कैसे ऑर्गेनिक को अप्रोच करना है। तो मैंने एक इंटरव्यू देखा था आपने, जो 2021 में जिन्होंने A1 लाई थी JEE में, तो उनका नाम प्रेम सेट्टी है, तो उन्होंने बताया था कि आप ऑर्गेनिक की सबसे पहले शुरुआत GOC से करें, सबसे पहले आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप है इसको अच्छे से पढ़ें, जैसे उसमें कंजुगेशन होता है, अपर कंजुगेशन होता है, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह वगैरह और भी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही बेसिक्स होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो बहुत ही ज़रूरी हैं, एक मतलब ये हमारा ढांचा तैयार करती हैं, उन्हीं से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद अपने JEE में बात करें तो आप रिएजेंट और नेम रिएक्शन, ये दो बहुत ही मेन पार्ट हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ें,
तो आपका कवर हो सकता है। लेकिन रिएजेंट पढ़ते समय मैं आपको ये एक टिप्स बताना चाहूँगा कि रिएजेंट जब आप पढ़ें तो मान लीजिए आपका रिएजेंट 8 दिन में ख़त्म हो गया, तो उसके ख़त्म होने के बाद आप उसका प्रॉपर रिवीजन करें और उसके बाद ही 2 दिन बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना लें। आप 2 पेज में उसका शॉर्ट नोट बना लीजिए कि H2O2 + OH- का क्या काम होता है, MCPBA का क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है, तो इससे आपको बहुत ही आसानी मिलेगी। उसके बाद जैसे आपको जब भी टाइम फ्री मिले तो आप उन शॉर्ट नोट्स को देख लीजिए, क्योंकि रिएजेंट आपका ऐसा चैप्टर है जो अगर आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत बुरा फील होगा, इतना ख़राब चैप्टर है वो, और बहुत बार आप चीज़ें भूलेंगे। मैंने भी 6-7 बार बहुत ही चीज़ें भूली थी, लेकिन मैंने फिर ये स्ट्रेटजी फॉलो की और शॉर्ट नोट्स बनाया, उसके बाद मेरा रिएजेंट अच्छा हो गया। और मैं आप ये भी बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जब आपको नहीं आएगी आपको बहुत सताएगी, जब आएगी तो आप उसके महारथी बन सकते हैं। आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो ही जाएंगे, जैसे मेरे साथ हुआ। अगस्त तक मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती थी, आधे सितंबर तक 15 सितंबर तक मैंने यही सब ट्रिक्स फॉलो की, और उसके बाद अक्टूबर से मेरे से क्वेश्चन बनने लगे थे, एकदम साफ तरीके से क्वेश्चन बनने लगे थे। तो ऑर्गेनिक के लिए मेरी यही टिप्स है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक थोड़ा अनसर्टन पार्ट है केमिस्ट्री का, कि पेपर में अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई ना, अगर आप एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करवाना चाह रहा है तब आप कर लेंगे क्वेश्चन, नहीं करवाना चाह रहा है तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ होती है, उसमें घुमा देगा, अगर आपका सवाल पढ़ा नहीं है तो आपसे नहीं होगा। तो मेरी राय ये है कि जितनी आप मेहनत ऑर्गेनिक में कर रहे हैं उससे ज़्यादा मेहनत अगर आप फिजिकल इनऑर्गेनिक में करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो JEE हो, चाहे नीट हो, चाहे जैम में हो, चाहे गेट हो, चाहे नेट हो। और बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री की, तो वेटेज सबका सेम ही होता है, सबसे लगभग 35-36 नंबर का या लगभग 33 नंबर का पूछा जाता है एग्ज़ाम में 100 नंबर के पेपर में। तो मेरी यही राय है कि आप ऑर्गेनिक के बजाय, अगर आपकी ऑर्गेनिक थोड़ी सी वीक है तो आप इनऑर्गेनिक फिजिकल को ज़्यादा वरीयता दें। लेकिन आप अगर आप ऑर्गेनिक अच्छी करना चाहते हैं तो आप अपने आप को 15 दिन दें, आपका डेफिनेटली ऑर्गेनिक अच्छा हो जाएगा। सही। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सचिन कि आपने लगभग हर चैप्टर का कितनी बार रिवीजन किया होगा, जो आपके जो नोट्स थे कॉपीज थी, लगभग हर पेज को आपने लगभग कितनी बार पलटा होगा पूरे प्रिपरेशन के दौरान, आप बताए थे कि बच्चों को अंदाज़ा लग सके कि जो प्रिपरेशन का लेवल होता है वो कितना होता है, ताकि उनको सेटिस्फेक्शन मिल सके, हाँ इतना प्रिपरेशन काफ़ी है और जो टॉपर थे इन्होंने इतना प्रिपरेशन किया तब इनका ऐसा रिजल्ट आया ऑल इंडिया रैंक 18। तो आपने लगभग आप बता सकते थे कोई चैप्टर मान लें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ले लें या रिएजेंट ले लें, तो इस चैप्टर को आपने लगभग कितनी बार रिविजन किया होगा? देखिए बात करें रिवीजन की, तो रिवीजन जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है कोई किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका रिवीजन जो है बहुत ही की रोल निभाता है, क्योंकि अगर आप रिवीजन ही नहीं करेंगे तो आपका एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा। तो रिवीजन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो है नोट्स बनाएं, प्रॉपर नोट्स बनाएं, उनको रिवाइज करें, फिर उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। तो मैं अगर आपसे सच्चाई से बात करूं तो मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी, कोई भी स्टैंडर्ड बुक मैंने नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम था नहीं, तो मैंने सोचा कि अब टाइम नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो हमारे जो सर थे तो उनकी मैंने क्लास देखी, प्रॉपर नोट्स बनाए, उसी को मैंने पढ़ा। अब ये बोल रहे हैं कि कितनी बार पढ़ा, तो मैंने कोई गिनती नहीं की, लेकिन फिर भी अगर मैं औसतन तो बताऊं तो 10 से 12 बार मैंने ज़रूर पढ़ा है। मेरे को हर एक पेज का हर एक फार्मूला पता चल गया था कि ये इस पेज पर ये लिखा है, इस लाइन की ये बात लिखा है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये पता चल गया तो आप जान जाइए कि आपका सिलेक्शन पक्का ही होने वाला है, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जब आप एग्ज़ाम में कनेक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए कोई आपके सामने 10वां क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ईनाट सेल निकालिए, तो आप अगर अपने नोट से रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी से चीज़ें रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो आप कैसे एग्ज़ाम को करेक्ट कर पाएंगे। तो रिकॉल जो है, रिकॉल बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। तो रिवीजन आप शॉर्ट में यही कर सकते हैं कि आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तब आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को गति दे पाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, इन्होंने कहा कि इन्होंने लगभग हर चैप्टर का एवरेज 12 से 13 बार रिवीजन किया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की प्रिपरेशन इन्होंने की है, तब जाकर इनका ऑल इंडिया रैंक 18 आया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन सचिन आपसे मेरा ये रहेगा कि जैसा आपने कहा कि आपने पढ़ाई काफ़ी लेट स्टार्टिंग के हिसाब से अगर देखा जाए लगभग, और एक ही साल की लगभग प्रिपरेशन की आपने और अच्छा खासा रैंक लाया। तो जो बच्चे अभी BSc फर्स्ट ईयर में हैं या BSc फर्स्ट सेमेस्टर बीत चुका, सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो वो बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं क्योंकि अभी उनके पास पर्याप्त टाइम है, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि अभी जो उनके पास ठीक ठाक टाइम है तो
अपनी पढ़ाई कैसे करें? क्या तुरंत तो आपकी तरह वीडियो लेक्चर देखना शुरू कर दें, कोचिंग ज्वाइन कर ले, या फिर वो कोई बुक प्रीफर करें? जैसे बहुत सारे बीएससी लेवल की जो बुक्स होती हैं, क्लेडन की बुक हो गई, हुई की बुक हो गई, पावला ब्रूस की, तो इन सब बुक्स को अभी टाइम दें और एग्जाम प्रिपरेशन में 8 महीने 10 महीने बचे एग्जाम के, उसके बाद लेक्चर देखना शुरू करें। तो आप क्या अपने अपने एक्सपीरियंस से आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, जो अभी नए बच्चे हैं? देखिए, मेरा मानना है अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से 1-1.5 साल अपनी यूनिवर्सिटी में व्यतीत करिए, एंजॉय कीजिए, और जो आपका यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसको ही एक तरीके से जैम लेवल से तैयार करते चलें। अगर आपके कॉलेज में अच्छा पढ़ाते हैं, जैसे हमारे यहाँ तो प्रोफेसर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप अगर बीएचयू के छात्र हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ अच्छे प्रोफेसर हैं तो वो अच्छे से नोट्स बनवा देते हैं, वो आपको ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे आप अच्छा कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो सबसे पहले तो आपको यही नहीं पता होगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट चुनेंगे, इसलिए आप हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दें। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लें, अच्छे से अपनी यूनिवर्सिटी को विजिट करें और थोड़ा सा इन्जॉय करें। जब आप सेकेंड ईयर में आएँ, लगभग चौथे सेमेस्टर में, तब आपको थोड़ी सी टेंशन होनी चाहिए एग्ज़ाम की, क्योंकि तब आपको आपके पास केवल 10 से 12 महीने बचेंगे। तब आप अगर चाहें तो कोई भी, अगर आप सक्षम हैं तो कोचिंग का कोर्स ले लीजिए, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। तो सचिन, आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि टेस्ट सीरीज का क्या महत्व होता है? आपने कोई टेस्ट सीरीज ली और आपने कितने टेस्ट दिए, मेजर माइनर, उसके बारे में आप बच्चों को क्या बताना चाहते हैं? टेस्ट सीरीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और कोई भी एग्जाम हो उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही की रोल अदा करती हैं। तो मैंने भी टेस्ट सीरीज ली थी, और कुछ टेस्ट को मैंने अपने जो यूनिट साथ में सिलेबस ख़त्म किया, जैसे रिएजेंट वगैरह का, इसलिए इसका साथ में ही मैंने टेस्ट दिया, तो उसमें बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे मेरे, मैं डीमोटिवेट भी हो गया था, लेकिन फिर मैंने कोशिश की, फिर मैं आगे बढ़ा, तो धीमे धीमे करते हुए मेरा सिलेबस ख़त्म हुआ था लगभग वही नवंबर लास्ट तक। उसके बाद मैंने 2 महीने में बहुत सारे टेस्ट दिए, लगभग 45 टेस्ट दिए। तो आप टेस्ट दे सकते हैं, और टेस्ट देना ही, हमारे टेस्ट देने के बाद ही हमारी जॉब ख़त्म नहीं हो जाती, टेस्ट देने के बाद उसको रिव्यू करना ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप उसको रिव्यू कैसे कर सकते हैं? आप सबसे पहले टेस्ट दीजिए, उसके बाद उसका अपना परफॉर्मेंस देखिए कैसी रैंक आई है, और फिर आप उसमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए हैं उसको आप ट्राई करिए कि उसको सॉल्व कर सकें, और जो आपसे क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको आप एक डायरी बनाइए, उसमें नोट लिखिए कि इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ये मेरे से गलत हुआ है, अब दोबारा ये क्वेश्चन मेरे से गलत नहीं होगा, या फिर अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट छूट गया है तो आप उसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज का रिव्यू आप अच्छे से करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, क्योंकि यही टेस्ट सीरीज ही वो हथियार है जो हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करती है। क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं देंगे, टेस्ट आप नहीं देंगे, तो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आएंगे आप, तो आपको चाहे जितना नॉलेज हो आप उस एग्ज़ाम में टॉप या फिर क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे वही गलतियाँ होंगी जो आप टेस्ट के टाइम कर देंगे। तो अगर आप टेस्ट सीरीज देंगे तो आपसे जो गलतियाँ एग्ज़ाम में होनी होंगी वो टेस्ट में ही हो जाएंगी, और एग्ज़ाम में वो गलतियाँ नहीं होंगी, और आप इससे प्रेशर भी लेना सीख जाएंगे कि कैसे एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। और अगला क्वेश्चन मेरा सचिन आपसे है कि एग्ज़ाम के दौरान बच्चों से क्या छोटी छोटी गलतियाँ हो सकती है जो आपने टेस्ट सीरीज के दौरान की, उसको आप थोड़ा बच्चों को बताइए ताकि एग्ज़ाम के दौरान उसकी गलतियाँ दोहराएँ, क्योंकि इन सब गलतियों का बाद में हम कोई रिग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम पढ़े लिखे सब होते हैं, बस कहीं छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं बाद में बहुत पछता होता है, तो क्या आपने कुछ ऐसी गलतियाँ की? देखिए, तो गलतियाँ तो मेरी इग्नोर हो गई क्योंकि मेरी रैंक आ गई, लेकिन जिसकी रैंक नहीं आई है वो अपनी गलती और अच्छे से बता सकता है, क्योंकि कोई भी युद्ध हो अगर उसमें हारे हुए योद्धा से आप पूछेंगे तो वो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से राय दे सकता है। तो मैं अपनी बात करूँ तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आप स्ट्रेस छोड़ दें बिल्कुल भी, आप जितना पढ़ें उतना इनफ है, क्योंकि आप 1 महीने में बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। आपने जो पढ़ा है उस पर विश्वास रखिए, उसको अच्छे से रिवाइज करिए, और टेस्ट दीजिए एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, लेकिन उसको रिव्यू करिए, लेकिन उसको ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आपसे क्वेश्चन होए चाहे ना होए, और आप अच्छे से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दीजिए, और आप जैसा चाहेंगे वैसा ही आपका रिजल्ट होगा, वैसा ही आपका पेपर। सचिन, कभी कभी हम लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान ही हमसे नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत कभी कभी बीच में टफ टफ क्वेश्चन मिलने लगते हैं, कोई मान लो हमें किसी चैप्टर का क्वेश्चन लगा रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं लग पाते हैं, हमको ख़राब लगता है, गिल्ट फील होता है, हमने क्या पढ़ाई की यार, क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं, 20 लेक्चर 25 लेक्चर इस चैप्टर को देख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं प्रीवियस ईयर के, तो कभी कभी ऐसा लगता है, तो इन सब सिचुएशन में क्या करें? देखिए ये तो ह्यूमन नेचर है
कि आप अगर किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं फिर आपसे वो चीज़ नहीं होती है। आपने मेहनत से एक महीना उस चैप्टर को पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चन नहीं होने, तो गुस्सा तो खैर बहुत आता है अपने आप पर, लेकिन आप उस गुस्से को थोड़ा सा दबा के 2 घंटे उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके उसके जो की पॉइंट हैं उसको निकाल के आप अगर करेंगे क्वेश्चन तो आपसे हो सकता है हो जाएँ, और अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप पहली बार में ट्राई कीजिए कि जो क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं उस वो तो आपसे आखिरी बार में भी हो जाएंगे, लेकिन पहली बार में जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं आपसे उनको आप स्टार मार्क कर लीजिए, और आप जब दूसरी बार उसके क्वेश्चन लगाइए उस चैप्टर के तो आप दूसरी बार में कर लीजिएगा, और जो दूसरी बार में आपके हो गए तो जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको स्टार मार्क करके आप तीसरी बार कर सकते हैं। इससे आपका होगा ये कि आप टफ से टफ और सरल से सरल क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अब हम इस वीडियो के समाप्त करने की ओर हैं, तो हम चाहेंगे अंतिम सवाल शिवम पूछे आपने रिवीजन और तहसील से रिलेटेड अभी भी बताया है, तो मैं चाहता हूँ जैसे हम जानते हैं कि आपने ऑल इंडिया रैंक 18 हासिल की, तो जो भी हमारे टॉप रैंकर्स हैं उन सभी को कौन सी IIT लेनी चाहिए और आप कौन सी IIT चुनेंगे, क्या इसके बारे में बता सकते हैं? देखिए ये तो डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। अगर कोई रिसर्च करना चाहता है तो मैं प्रेफर करूँगा कि वो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली या फिर IIT कानपुर में जाए, क्योंकि वहाँ का बहुत अच्छा स्कोप है विदेश में जाकर PhD करने का। तो रिसर्च वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी ये IIT प्रेफर कर सकते हैं। खैर मेरा कोई अभी मन नहीं है रिसर्च करने का, तो मैं अपना IIT दिल्ली में जाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि सचिन सर ने IIT दिल्ली सेलेक्ट किया है, तो हम वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए हम कुछ जो भी हमारा इतना सारा कन्वर्सेशन हुआ है, डिस्कशन हुआ है, उसको कुछ 2-3 वर्ष में आप उसे बता सकते हैं कि हमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या करनी चाहिए IIT एग्जाम के लिए, कैसे क्रैक कर सकते हैं, आप कुछ 2-3 लाइन में बता दीजिए। हाँ हाँ ज़रूर। तो सबसे पहले तो आपने भी कोचिंग ली, उसके बाद आप कोचिंग को लगातार फॉलो करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उनको रिवाइज करेंगे। नंबर 3, उसके बाद अगर आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा है उसको रिवाइज करने के तुरंत बाद आप क्वेश्चन लगाएंगे। आपसे पहली बार में क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो आप स्टार मार्क कर दीजिए, अगली बार में वो क्वेश्चन देखिएगा, दूसरी बार में नहीं हो रहे हैं तो उसको फिर स्टार मार्क कीजिए। जो क्वेश्चन आपके टफ वाले बचेंगे वो लास्ट में बचेंगे, जिससे आपका टाइम भी सेव हो सकेगा। मान लीजिए पहली बार आपने जुलाई में लगाया क्वेश्चन और आपको 100 क्वेश्चन आपकी किताब में हैं और आपसे 70 क्वेश्चन लग गए, तो आपके 70 जो लग गए वो आपसे एग्जाम में भी लग जाएंगे, क्योंकि आपने पहली बार में क्वेश्चन हल कर दिए हैं। तो बाकी बचे 30 को आप स्टार मार्क करेंगे। अगली बार मान लीजिए उसी चैप्टर के सवाल में आपने सितंबर में लगाए, तो सितंबर में मान लीजिए 30 में से 20 आपके हो गए, 10 बच गए, तो जो आपके 10 होंगे टफ ये मान लीजिए आपके दिसंबर के लिए हो गए, तो आपका दिसंबर तक आते आते उस चैप्टर के आप जीनियस बन जाएंगे, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका टाइम भी सेव होगा। और ऐसे करते करते ये सब छोटे छोटे स्टेप्स हैं, अगर इनको आप आगे बढ़ाएंगे तो आप ज़रूर ही सफलता हासिल करेंगे। और टेस्ट सीरीज लेना ना भूलें, टेस्ट ज़रूर दें। मेरे अकॉर्डिंग तो इन्होंने जितना हमारे लिए डिस्कशन हुआ है उनके बीच मुझे ये लगता है कि आपको सिर्फ एक टेस्ट सीरीज सेलेक्ट करनी चाहिए, देन आपको उसको फॉलो करना चाहिए, और किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंसी उसकी सक्सेस होती है, तो आपको उस फील्ड में कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो होप आप सभी को इस वीडियो से बहुत ही अच्छी शिक्षा मिली हो, और हमारे क्विक केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारे सचिन सर का चैनल है। थैंक यू सो मच।